अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हादिया आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच इज़ तो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट यहाँ पर जो वर्ड आइसोलेटेड है ना ये हमें इसकी बात करें कि आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हम बात करें तो वो कंजर्व रहेगा कंजर्व का क्या मतलब है सेम रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन किसी चीज़ की अगर हम बात करें आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जिस पर बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो अगर अंदर वाले पार्टिकल्स जैसे कि एक कंटेनर में गैस की बात करें हम तो उसमें क्या होता है कि अगर उसको बंद किया हुआ है वो ऊपर से ठीक है तो क्या होगा कि उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आपस में उस पर फ़ोर्स लगाएंगे लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगेगी कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही फॉर एग्जांपल हम उसे और टेम्परेचर नहीं दे रहे क्योंकि अगर हम उसे और टेम्परेचर देंगे गैस को तो जाहिर बात है उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो वो जो फोर्स होगी वो बाहर से दी दी गई होगी ठीक है तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती लेकिन जो बॉडीज़ की अपनी होती है वही फोर्स होती है उन पर लग रही हुई है ठीक है तो ऐसे सिस्टम में जो मोमेंटम होता है लीनियर टोटल लीनियर मोमेंटम उस सिस्टम का क्या रहता है कांस्टेंट रहता है ठीक हो गया तो हमारे पास अब हम कंसीडर कर लेते हैं कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ हार्ड बॉल्स जो कि इंटरेक्ट करिए विद ईच अदर हैविंग मैस एम वन एंड एम टू एक बॉल हमारे पास ये है एम वन इसका मैस है ठीक है और ये क्या है विद द वेलोसिटी वी वन इस तरफ मूव करिए मोमेंटम क्या है हमारे पास मैस इन मोशन अगर हम इससे हम सिंपली डि डिफाइन करें तो ये क्या है मैस इन मोशन और अमाउंट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इसे हम कहते हैं मोमेंटम और ये किस वजह से होता है ये हम कल डिस्कस कर चुके हुए हैं पिछले मोमेंटम के लेक्चर में बिल्कुल डिटेल में कि या तो ये बॉडी की विलासिटी की ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है या मैथ ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है ठीक है तो हमारे पास क्या है वो मूव करा है विद द विलासटी वी वन वी हैव एन अदर बॉल हैविंग मैस एम टू विच इज़ मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द विलासिटी वी टू और वी वन की विलासिटी वी टू से ज़्यादा है मतलब वी टू मूव कर रहा है ये ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा है तो क्या होगा एक टाइम ऐसा आएगा कि वी वन इसके साथ जाके कोलाइड कर जाएगा क्या हो गया कोलिजन हो गई इसने क्या है एम वन मैस ये है एम टू मैस ये है इसने क्या किया इस पर एक फोर्स लगाई क्या किया इस पर एक फोर्स लगाई एफ़ ठीक हो गया एम वन ने एम टू पर एक फ़ोर्स लगा दी तो क्या होगा इन रिटर्न ये चुप बैठा रहेगा एम टू नहीं जी ये भी एक फ़ोर्स लगाएगा लेकिन क्या करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे हम एफ डैश कह लेते हैं और ये क्या है ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी है कि एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन ठीक है तो क्या होगा कि अगर इसने इस पर फोर्स लगाई है तो इसने इस पर नेगेटिव फोर्स एक लगाई है नेगेटिव क्यों क्योंकि उसने इस डायरेक्शन में लगाई है अगर उसने इस डायरेक्शन में लगाई है तो एफ़ के ऑपोजिट उसने एक फ़ोर्स लगाई एफ़ डैश ठीक हो गया और अब क्या हुआ अब हुआ ये कि इसकी वेलोसिटी हो गई वी वन डैश एम वन की एम वन मैस वाली बॉल की इन द सेम डायरेक्शन वी वन डैश और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई एम टू मैस हो गया और वी टू डैश हो गई ठीक है अब हमने देखना है हमने कहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो इसको हम अपनी इक्वेशन से अब आ, जो है ना वो प्रूफ करने लगे हैं कि मोमेंटम जो है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है ठीक हो गया तो इसको हम कैसे करेंगे कि अब हमने क्या है अब हमने देख लेना है एम वन के लिए मोमेंटम फाइंड हमने कर लेना है क्या है चेंज इन मोमेंटम ऑफ मैथ एम वन कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हुए हमें पता है कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसकी वो कौन सी होती है एफ़ क्रॉस टी ज़ इक्वल टू एम वन वी एम वन के लिए अगर हम देखें तो क्या होगा एम वन और उसकी विलासिटी क्या आई फ़ाइनल फाइनल में से माइनस कर देंगे इनिशियल मोमेंटम ये उसका फ़ाइनल मोमेंटम एम और वी की वजह से अभी मैंने बताया कि मोमेंटम किस वजह से होता है मैस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड एंड द विलासिटी बिकॉज ऑफ़ द विलसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट की वजह से क्या होता है मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का ठीक है तो हमारे पास क्या है फ़ाइनल mm, मोमेंटम ये हुआ आफ्टर कोलियन एंड जो हमारे पास माइनस इनिशियल मोमेंटम वो क्या है एम वन वी वन ठीक हो गया और ये क्या है इस पर फोर्स अगर हम देखें तो कौन सी लग रही है एम वन पर तो नेगेटिव फोर्स लग रही है तो वो है एफ़ डैश और एफ़ क्रॉस टी क्यों लिखा है ये इस वजह से लिखा है क्योंकि फोर्स की अमाउंट बहुत थोड़ी थी हमने यहाँ पर इम्पल्स है ये एफ़ क्रॉस टी हम कल डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में कि एफ़ क्रॉस टी क्या देता है इम्पल्स और इम्पल्स क्या होता है फ़ोर्स फॉर एन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इम्पल्स फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यूं अगर कोई चीज़ यूं बिल्कुल ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे हिट हुई है फोर्स तो उस पर लगी है लेकिन क्या था टाइम बहुत कम था उसके हिट होने का तो इस वाली फ़ोर्स को हम कहते हैं कि ये इम्पल्स है तो क्या है यहाँ पर हमने लिया है इम्पल्स क्योंकि ये बॉल इसके साथ टकराई है और क्या हुआ है फिर से दोनों अपनी उसी विलासिटी के साथ मूव करना शुरू हो गई हैं वी टू के साथ और ये वी वन के साथ ठीक हो गया जैसे कि गैल गैस मॉलिक्यूल्स हैं टकराते हैं उसके बाद क्या होता है फिर से रैंडम हो जाते हैं तो इसी तरह से ये है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स उस पर एक्ट नहीं करी इस वाले सिस्टम पे भी और गैस वाला जो हमने डिस्कस किया उस पर भी ठीक हो गया हमने क्या ले लिया ये ले लिया एंड मोमेंटम फ़ाइनल मोमेंटम फॉर मैस एम ये हमने लिया एम के लिए ठीक हो गया अब हम ले, ले लेते हैं सेकेंड केस क्या है एम उसके लिए हमारे पास क्या है उसके लिए फ़ोर्स देखो तो क्या है फोर्स फॉर एम उस पर एक पॉजिटिव फोर्स लग रही है ठीक है तो क्या आया एफ़ ठीक हो गया क्रॉस टी एफ क्रॉस टी क्या है इम्पल्स है क्योंकि इस पर भी एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक फ़ोर्स ने एक्ट किया दैन इक्वल किसके आएगा ये हमारे पास क्या है फाइनल मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है पी इज़ टू एम वी ठीक है तो हमारे पास क्या है ये क्या है मोमेंटम अगर हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो हम कहेंगे जी एम एफ़ एंड एम वी ये कह लेंगे या एम वन वी एफ़ कह लेंगे कि फ़ाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसी तरह से करते हैं ना हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल मोमेंटम क्या आ गया एम टू वी टू डैश माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था उसका एम टू वी टू ठीक हो गया अब हमने क्या करना है अब हमने कर लेना है सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को प्लस वन एंड टू ठीक है एडिंग इक्वेशन वन एंड टू हमें क्या मिलेगा हमें आंसर मिलेगा ठीक है ठीक <laughs> है तो हमारे पास क्या आएगा एफ प्लस टी एडिंग टू प्लस वन कर लो या वन प्लस टू कर लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ़ क्रॉस टी प्लस एफ़ डैश क्रॉस टी सही हो गया इस तरफ क्या आएगा एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी टू प्लस एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन सही हो गया अब हमने क्या करना है इसमें से दोनों में से टी कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एफ़ प्लस एफ क्रॉस इंटू टी ठीक हो गया ये क्या आ गया हमारे पास इस तरफ एम टू वी टू डैश माइनस एम टू वी टू यहाँ नहीं है यहाँ आएगा ठीक है प्लस एम वन वी वन डैश माइनस एम वन वी वन सही हो गया अब हमने क्या करना है नेक्स्ट इसमें से अब हम देखें कि हमारे पास ये मैंने एफ़ डैश क्या कहा ये है रिएक्शन फ़ोर्स एक्शन फ़ोर्स एफ़ है रिएक्शन फ़ोर्स और रिएक्शन फ़ोर्स क्या होती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन होती है ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स कि इसके साथ क्या है हमारे पास नेगेटिव साइन है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एफ़ माइनस एफ़ क्या हो जाएगा ज़ीरो टी को उसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी ज़ीरो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा uh, अगर हम इसको लिखें अरेंज करने लगी हूँ सिंपली बस एम वन v1 वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश इस दोनों इन दोनों को अरेंज कर लिया अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ठीक है ये क्या हो जाएगा एम माइनस कॉमन लिया इन दोनों में से इन दोनों को लिखने लगी हूँ ये आफ्टर कुलियन मोमेंटम्स थे और ये बिफोर कुलियन थे ठीक है तो इन दोनों को मैं इकट्ठा रही हूँ एम वन वी वन प्लस क्या आ जाएगा एम टू वी टू सही हो गया ये आ गया हमारे पास ये क्या हो गया ज़ीरो पॉजिटिव एफ एंड नेगेटिव एफ क्या हो गया ज़ीरो तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू सही हो गया अब हमने क्या करना है इस वाली माइनस वाली को इस तरफ ले आना है प्लस हो जाएगा चलिए यहीं पे कर लेते हैं ताकि जो है ना वो इजीली रिजल्ट्स आपको सही से पता चल जाए इसको क्या करना है माइनस वाली को जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू विच इज़ इक्वल टू एम वन वी वन डैश प्लस एम टू वी टू डैश ठीक हो गया ये हमारे पास क्या था इनिशियल मोमेंटम ये हमारे पास क्या है फाइनल मोमेंटम ठीक हो गया तो हाँ क्या है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने क्या है प्रूव कर दिया कि बिफोर एंड आफ्टर को लियन जो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होता है वो मोमेंटम रिमेंस सेम वो कंजर्व रहता है वो क्या होता है बिफोर जितना होता है बिफोर को लियन जितना मोमेंटम होता है उतना ही आफ्टर को लियन होता है ठीक है आई होप कि आपको समझ आ गई है ठीक है और अगर नहीं भी आई तो आप कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपके क्वेश्चन हैं तो आप मैंशन कर दें हम ट्राई करेंगे कि हम उन्हें आंसर कर दें अपना बहुत सा ख्याल रखें चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज़